हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ढेकता किचन। मैं सदफ एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई डिश के साथ। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी फ्रैंकी बताने जा रही हूँ। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स है पोटैटो उबले हुए और चिकन के कुछ पीसेस हमने नमक डाल के बॉईल किए हुए हैं। लहसुन मिर्ची जीरे की एक चटनी बनाई हुई है। अब बाउल में हम सबसे पहले चिकन को उसके बोन्स अलग करके श्रेड कर लेंगे। ये देखिए इतने अच्छे से हम लोगों ने अलग कर लिया है। इसके बोन्स हम अलग कर लेंगे जो खाने में हमारे मुँह में ना आए। इसको श्रेड करने के बाद हम मिक्सर में एक बार ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्राइंड करने के बाद देखिए कितना अच्छे से हमारा चिकन श्रेडेड दिख रहा है। तो ये श्रेडेड फॉर्म चिकन में हम लोग बहुत ज़्यादा पोटैटो नहीं लेना है, दो पोटैटो या तीन पोटैटो में हमारा काम हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी चटनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने एक दो चम्मच डाला है क्योंकि मुझे बहुत स्पाइसी खाना पसंद है। ये देखिए हमारा चटनी और आलू और ये चिकन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हम बहुत जल्दी बना सकते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट पे बना सकते हैं। अगर घर में चिकन कुछ 100 ग्राम्स भी है तो हम इसमें 5-6 फ्रैंकी आराम से बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है और घर में हमारे चिकन अवेलेबल रहता है, आलू भी रहता है, तो हम फटाफट बना सकते हैं इसको। और बच्चों को ये बहुत पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। मैंने भी ये खाई थी मुंबई में, एक जगह है मैं बाद में आपको बताऊंगी, वहाँ खाई थी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी। तो वही इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपको ये नई डिश बता रही हूँ। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने सारी इंग्रेडिएंट्स को। हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे 2 कप मैदा, उसमें नमक डालेंगे और पानी के साथ हम आटे को गूंद लेंगे। हमारा आटा गूंद के तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और रोटी बना के मैदे की बटर से सेकेंगे। मेरा तो ये ऑल टाइम फेवरेट है, आपका भी होने वाला है ऑल टाइम फेवरेट। ये देखिए रोटियां हमारी बनके तैयार है, हम इसको सेक लेंगे। ध्यान रहे रोटी को हमको ज़्यादा फुलाना नहीं है, अच्छे से बस सेकना है। सेकने के बाद ये देखिए बटर से हम अच्छी तरह से कोट कर लेंगे रोटी को, आगे पीछे दोनों साइड से करेंगे। अब हमने जो मिक्सचर तैयार रखा था उसको थोड़ा ट्विस्ट देने का टाइम आ गया है। पैन में हमने तेल डाला हुआ है, तेल को थोड़ा सा हीट कर लेंगे। अब हम इसमें जो हमने लहसुन काट के रखे हुए थे पहले से ही उसको डालेंगे, बारीक बारीक लहसुन काट के रखे हुए हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको लाल होने देंगे। लहसुन अच्छी तरह से, देखिए स्मेल बहुत अच्छी आ रही है लहसुन की। अब हम इसमें प्याज जो हमने पहले से काट के रखे हुए हैं वो ऐड करेंगे। हम एक प्याज ले सकते हैं, एक बड़ी प्याज, बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया हमने इसमें। इसको भी थोड़ा सा लाल होने तक, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ा शेजवान चटनी 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। शेजवान चटनी यहाँ मैंने चिंग्स की ऐड की है क्योंकि मेरी चिंग्स की मुझे बहुत पसंद है उसका फ्लेवर। आप चाहे तो किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप घर में भी बना सकते हो। हाँ, हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। चिंग्स याद रहे शेजवान में नमक ऑलरेडी ज़्यादा तेज़ रहता है, तो आप थोड़ा कम ही ऐड करेंगे। और थोड़ा सा शुगर मैंने बैलेंस करने के लिए मिक्सचर को ऐड किया हुआ है। ये देखिए जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ था चिकन पोटैटो और चटनी का, ये हम ऐड कर लेंगे पैन में। ये देखिए मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर हमने बाउल में निकाल लिया है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। अब जो बटर में रोटी में मैंने बटर लगा के रखा था उसमें हम शेजवान चटनी अच्छे से स्प्रेड करेंगे और ये मिक्सचर डालेंगे। जैसे मैं दिखा रही हूँ आप भी वैसे ही
ऐड करिएगा, ऐसे ही डालिएगा, पूरा स्प्रेड करिएगा रोटी में। खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है। ये देखिए रैप करने का तरीका मैं जैसे बता रही हूँ आप भी वैसे ही करिएगा। ये देखिए ऐसे ही हम रोटियों को रैप कर लेंगे। ये हमारी फ्रैंकी तैयार है। ये देखिए इसका टेस्ट ही बहुत यूनिक है, आप इसको कभी भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक है, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये। इसमें चटनी और चिकन और आलू का जो फ्यूजन है वो बहुत यूनिक है। ये देखिए हमारी फ्रैंकी बनके तैयार है, शेजवान फ्रैंकी। ये रोज़ आजकल बहुत मिलते हैं और ये बहुत टेस्टी होते हैं। ये देखिए हमारी रेडी, आप भी ट्राई करिएगा। तो गाइज ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, पसंद करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए।